एक बार दिखा दीजिए, रूम नंबर 105, रूम नंबर 105 में आकांक्षा दुबे जो है ठहरी हुई थी, ये वही रूम है, इसी रूम में ठहरी हुई थी। और आप लोगों को मालूम कब चला कि वो सुसाइड कर ली है, या आप लोग उनके रूम के पास कब जाते हैं? मास्टर की लेके ऊपर आया, जो एक लेडीज थी, 3-4-5 लोग यूनिट के थे उनके साथ के, हमारे उनके साथ के, तो मैं लेके आया, मैंने दरवाजा खोला तो उस कंडीशन में वो मुझे पंखे से ऐसे लटकी हुई मेरे सामने से दिखी। अभी हम सारनाथ स्थित उसी होटल में है जिस होटल में भोजपुरी इंडस्ट्री की कलाकार और अदाकार आकांक्षा दुबे जो है कि सुसाइड कर लेती है, इसी हम होटल में है। आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं और बाकी क्या चीज है और कितने दिनों से वो यहाँ पे ठहरी हुई थी और कब उनके साथ ऐसा घटना होता है, खुद से वो खुदकुशी करती है, ये आप लोगों को अंदर आने के बाद मालूम चलेगा। और ये वही होटल है जिस होटल में आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की जो डांसर है, अदाकारा है, वो ठहरी हुई थी। बाकी सर आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राजन सिंह पड़ेगा। जी आप होटल के कौन हैं? जी प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि वो किस दिन से यहाँ पे ठहरी हुई थी इस होटल? ये 23 तारीख को मॉर्निंग में आई हुई थी यहाँ पे। 23 तारीख को मॉर्निंग में आई हुई थी। अच्छा ये घटना कल का है, कल कितने बजे का लग रहा है? ये जिस हिसाब से वो आई हुई थी रात में, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था 2:25 पे, उसके बाद की ये घटना है, जो कि हम लोग के संज्ञान में ये वीडियो उनकी सुसाइड का करीब 10 से 11 बजे के आसपास हम लोग के संज्ञान में आया। ये 10 से 11 बजे के बाद जी। और आप लोगों को मालूम कब चला कि वो सुसाइड कर ली है, या आप लोग उनके रूम के पास कब जाते हैं? उनके जो रूम बॉय लोग थे वो लोग आके दरवाजा उनका लॉक कर रहे थे कि मैम दरवाजा खोलने के लिए, वो दरवाजा नहीं खोली कुछ देर तक, तो वो लोग आके हमें रिसेप्शन पे बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मास्टर की हो आप लोगों के पास तो दरवाजा आप खोल दीजिए, हम मैम जा नहीं रही है, उठ नहीं रही है, मुझे सूट पे जाना है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर तो पहले मैंने अवॉइड कर दिया इस चीज़ को, इसलिए कि हमें अलाउ नहीं होता कि किसी गेस्ट का रूम हम इस तरीके से खोल सकें, कि वो भी एक एक्टर्स हैं वो, और उस रूम को हम नहीं खोल सकते कि नहीं मैं अब किस पोजीशन में वो हैं क्या हैं। हाँ तो मैंने उस चीज़ को पहले मना कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि सर उनके डायरेक्टर जो है उन्होंने कॉल किया कि सर आप खोल दीजिए, कोई लेडीज हैं वो जाएंगी रूम में, वही चेक कर लेंगी, वही चेक कर लेंगे। और जो आगे का बात है हम आप लोगों को आगे लेकर चलेंगे, थोड़ा सर वो रूम दिखाइएगा आप कहाँ पे रूम है, आप लोग आ जाइए कि वो रूम कहाँ है, आप लोगों को हम लेके चलेंगे और बाकी उनके साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ और किस वजह से उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा ये भी आप लोगों को मालूम चलेगा। और ये जो बाकी है कि जांच का विषय है कि आखिर जांच होगा कि किस वजह से उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा और वो क्या सोच रही थी और आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है, आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों को बता दें। कौन सा रूम है सर? रूम नंबर 105। ये यहाँ पे देख लीजिए कि एक बार दिखा दीजिए, रूम नंबर 105, रूम नंबर 105 में आकांक्षा दुबे जो है ठहरी हुई थी, ये वही रूम है, इसी रूम में ठहरी हुई थी और इसी रूम के अंदर वो रह रही थी। बाकी आगे क्या हुआ सर? उसके बाद उन्होंने जब हमें आके इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसे दरवाजा लॉक करने पे भी नहीं खोल रही है वो जी। तो फिर मैं उनके डायरेक्टर का कॉल आया, तो फिर मैं रूम की मास्टर की लेके ऊपर आया, जो एक लेडीज थी, 3-4-5 लोग यूनिट के थे उनके साथ के, हमारे उनके साथ के, तो मैं लेके आया, मैंने दरवाजा खोला तो उस कंडीशन में वो मुझे पंखे से ऐसे लटकी हुई मेरे सामने से दिखी। मतलब कि जिस तरीके से फोटो वायरल हो रहा है कि वो पंखे से लटकी है, दुपट्टे से लगाई है, शायद गुलाबी कलर का दुपट्टा है, और उसके बाद वो बेड पर बैठी हुई, सेम उसी तरीके सेम वही पोजिशन में थी वो। आपको क्या लगता है पंखे से लटकी है, बेड पर बैठी है, क्या ऐसे कोई सुसाइड कर सकता है? सर जो कंडीशन दिखी वो सुसाइड तो हमने उस कंडीशन में, वो काफी नशे में थी, नाइट में आई थी, उनका जो सीसी कैमरे से हम लोगों ने निकाला था फुटेज वगैरह उसके अकॉर्डिंग वो काफी नशे में थी। उन्होंने 2:25 पे एक वीडियो भी अपना वायरल किया था, उसमें वो रो रही हैं, किसी न किसी चीज से वो दुखी थी, कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। जिस रात वो आई है या अपना सुसाइड की है, उस रात आपके होटल में वो कब आती है, कितने बजे होटल में आती है? समथिंग वो 2 बजे के आसपास आई है, होटल में आई है जी। कहाँ गई थी मालूम है कुछ? सुनने में आ रहा है कि कहीं पार्टी वगैरह थी उन लोगों की, वहाँ पार्टी में गई थी। मतलब कि पार्टी में गई थी और पार्टी के बाद आपके होटल में सीधे आती है, होटल में आने के बाद इसी रूम में वो जाती है, और इस रूम में जाने के बाद लगभग सर बता रहे हैं कि 2 बजे के करीब वो आती है होटल में, रूम में जाती है, उसके बाद तकरीबन 2:25 पे वो इंस्टाग्राम पे लाइव आती हैं, और लाइव आने के बाद जो है आकांक्षा दुबे रोती हैं, और रोने वाला जो वीडियो है इंस्टाग्राम लाइव वाला जो वीडियो है वो वायरल किया जा रहा है, वायरल हो रहा है कि आखिर आकांक्षा दुबे के साथ हुआ क्या।
रहा है, क्यों रोई है, और उसके बाद वो इंस्टाग्राम लाइव के बाद फिर जो है कि वो सुसाइड क्यों कर लेती है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सवाल सबके जहन में होगा कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या पोजिशन है। बाकी समर सिंह का नाम इसमें लाया जा रहा है, जो कि वो भी एक भोजपुरी के सिंगर है, उनका नाम लाया जा रहा है कि समर सिंह जो है इनके बॉयफ्रेंड थे, उनके साथ कुछ चक्कर था। बाकी ये जांच का विषय है कि समर सिंह का इसमें हाथ है कि नहीं है, ये तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन सर आगे क्या बोलेंगे, उस तरीके से लगता है कि वो सुसाइड है? बिल्कुल, उसको सुसाइड ही कहेंगे, इसलिए कि काफ़ी नशे में थी और डिप्रेशन में थी, वो साफ उनके वीडियो से ही दिख रहा है मुझे। और उस कंडीशन में जब उन्होंने वीडियो अपलोड किया, उस कंडीशन में रूम में कोई नहीं था, जो कि सीसी फुटेज में भी हमने क्लियर देखा है सारी चीज़ें। उस रूम में उस टाइम रूम में कोई नहीं था उनके साथ। अच्छा ये बताइए कि रूम में अंदर आने के बाद, जो बोल रहे हैं तकरीबन दो बजे आने के बाद, क्या सीसीटीवी में ऐसा नहीं दिखा कि कोई और तो उनके रूम में नहीं आए हैं? नहीं, कोई और कोई नहीं आया, उनके बाद बस वो वही थी और उसके बाद कोई नहीं गया? नहीं, कोई नहीं गया। देखिए बात साफ हो चुका है और बाकी हम चलेंगे, यही वो रूम है, आप लोगों को दिखा दिए, और यही वो होटल है जिसमें आकांक्षा दुबे ठहरी हुई थी और उनका पूरा टीम ठहरा हुआ था इसी होटल में। उनका पूरा टीम ठहरा हुआ था सर पूरी टीम, मतलब जो मेन एक्टर थे उसमें, और राइटर और डायरेक्टर सारे लोग वो यही रुके हुए थे, यही इसी होटल में। जी। और बाकी वो सब जो राइटर हो या डायरेक्टर हो या और भी जितने कलाकार हो इस फिल्म के, जो आपके होटल में ठहरे हुए थे, वो लोग कहाँ हैं? अभी तो जैसे जांच चल रही है तो उनको अभी थाने पे बुलाया गया है, अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अच्छा, उनके फैमिली मेंबर, आकांक्षा दुबे के फैमिली मेंबर कोई यहाँ पे आए क्या आपके होटल में? फैमिली मेंबर में अभी तो होटल पे कोई नहीं आया। सुनने में आ रहा है कि वो मुंबई की रहने वाली थी, तो उनकी माताजी शायद आने वाली थी, अभी तक होटल पे तो कोई नहीं आया। हो सके तो थाने पे या कहीं होंगी अब ये।